नेशन टीवी की टीम इस वक्त आई हुई है देसरी के भीखनपुरा पंचायत में और 9 से 16 में पंचायत समिति वीडीसी के प्रत्याशी रणधीर पासवान जी जुड़ने वाले हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम चुनौती भी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत में इनका चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या कुछ है और उसके बाद हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे कि लोगों का कहना है कि पंचायत समिति में यहाँ उतना वर्क नहीं हुआ और इस बार जो यहाँ के पंचायत समिति रहे इस बार मुखिया के प्रत्याशी हैं। तो इस बार जितने भी उम्मीदवार हैं सारे लोग जो है नए हैं और पंचायत में लोगों से मिल भी रहे हैं। हालांकि सिंबल आज नहीं मिला है लेकिन आज शाम तक या फिर कल तक जो है सिंबल मिलने का अनुमान है। तमाम मुद्दे हैं लेकिन रणधीर जी से जुड़ते हैं। स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, जानते हैं कुछ पंचायत समिति क्या कुछ है? पंचायत समिति तो है जो समाज का सेवा करना है, जहाँ टूटा फूटा काम है उसको जोड़ना है और नए विकास के योजना को ला के समाज को सेवा करना है। जी, चूंकि 6 पद के लिए चुनाव होता है तो सारे जो है जितने भी पद हैं प्रतिनिधि का पद जो है सेवा का ही होता है, लेकिन इसमें काम भी होते हैं मुख्य रूप से जो है मनरेगा से संबंधित इसमें काम आप करा सकते हैं। तो तमाम चुनौतियां भी, आप लोग नए हैं, क्या कुछ चुनौती मिल रहा है उधर? चुनौती तो वो जनता के ऊपर ही निर्भर करता है जी। और हम लोग का जीतने के बाद जो है मनरेगा से भी जो भी कुछ होगा वो समाज के प्रति सेवा करेंगे जी। उम्मीद क्या लग रहा है? कई प्रत्याशी आमने सामने हैं, 7-8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं 9 से 16 में, क्या लगता है चुनाव जीतेंगे? हाँ, चुनाव जीतने का तो चांस है और जनता के ऊपर ही सब कुछ है। हम लोग का सेवा का भावना है और समाज में अपना छवि बनाए हुए हैं। चुनाव मतलब क्यों लड़ रहे हैं, क्या कुछ सोच के चुनाव मैदान में आए हैं? जनता की सेवा करना है जी। हाँ, उम्मीद है कि चुनाव जीता जी, जीते सिंबल मिल गया है जी, कल मिल जाएगा। हाँ, कल मिलेगा, कल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए नेशन टीवी। लेकिन ग्राउंड ओपिनियन दिखाएंगे कि क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं पंचायत में, खासकर भीखनपुरा में। भीखनपुरा से जस्ट अपोजिट जो है सहदेई बुजुर्ग पड़ जाता है, बॉर्डर है ये, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों का कहना है कि मनरेगा से हालांकि वर्क भी हुआ है लेकिन यहाँ पे इस बार कांटे की फाइटिंग रहेगी। तमाम मुद्दे पे एक एक्सक्लूसिव न्यूज सिर्फ नेशन टीवी।